हाय फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपको इस नए वीडियो में इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास एक होंडा सिविक आई है, जिसका एक हफ्ता गाड़ी खड़ा रहने पे या दो से तीन दिन गाड़ी खड़ा रहता है तो इसका बैटरी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। तो हमने इसका पूरी तरह से जाँच किया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या जाँच किया है। हमने सबसे पहले तो इसका डिक्की का लाइट चेक किया गया है कि डिक्की बंद करने के बाद भी, क्लोज करने के बाद भी क्या उसका डिक्की का जो लाइट रहता है वो चालू रहता है कि नहीं रहता है। तो हमने इसे डिक्की के अंदर एक आदमी को बिठा कर इसे चेक किया तो डिक्की के अंदर लाइट चालू नहीं रहता, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमने इसका टेप का जो सॉकेट है उसे आप देख सकते हैं, हमने इसका टेप का सॉकेट भी ओपन करके चेक किया तो भी इसका लाइट खा ही रहा था बैटरी। इसके बाद हमने इसका देख सकते हैं, इसके बाद हमने इसका अल्टरनेटर का भी सॉकेट ओपन करके चेक किया तो भी इसका बैटरी खा रहा है। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं सामने, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, हमने इसका माइनस का बैटरी वायर साइड में डिस्चार्ज कर दिया गया है। देख सकते हैं आप, ये हमारा टेस्ट लैंप है जिससे हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं। इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। इसमें मेजर प्रॉब्लम है इसका जो मीटर आता है वो मीटर शॉर्ट है, जिसके कारण आपको हम दिखाते हैं। मीटर का सॉकेट लगाइए, ये देख सकते हैं हमने इसका मीटर का सॉकेट लगा दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि मीटर का सॉकेट लगाने के बाद किस तरह करंट खा रहा है बैटरी। जैसा कि फ्रेंड, अब हम आपको दिखाते हैं मीटर का सॉकेट लगाने के बाद इसमें क्या प्रॉब्लम आता है। देखिए फ्रेंड, ये देखिए मीटर का सॉकेट लगाने के बाद देखिए किस तरह इसका बैटरी खा रहा है, ये देख सकते हैं आप, आपके सामने है, इसका मीटर शॉर्ट है। मीटर शॉर्ट होने की वजह से ये करंट खा रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर का कंप्लेन है कि दो से तीन दिन में ये गाड़ी का बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जा रहा है। आप देख सकते हैं, आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, इसका हमने पूरी तरह से प्रॉपर चेक कर लिया। देखिए सर, आप देख सकते हैं कि हमने इसका पूरी तरह से फ्यूज भी चेक कर लिया गया है, डिक्की का लाइट भी चेक किया है, टेप भी चेक। हाँ तो फ्रेंड, अब हम इसका मीटर रिपेयर करेंगे और मीटर रिपेयर करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि ये करंट खाता है या नहीं। अभी तो फिलहाल करंट खा रहा है, हम आपको इसका मीटर रिपेयर करके उसके बाद इसके आगे का वीडियो हम आपको बताएंगे। जैसा कि फ्रेंड, अब आप देख सकते हैं, हम अब आपको इस मीटर का सॉकेट निकाल कर दिखाते हैं कि मीटर का सॉकेट निकालने के बाद करंट खाना बंद होता है कि नहीं। देखिए सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं फ्रेंड, देखिए कैसा सॉकेट लगाने के बाद पूरा मीटर ब्लिंक करता है, इसके कारण वो बैटरी का करंट खाता है। अब हमको दिखाते हैं, अंसारी जरा इसका सॉकेट निकालिए और मीटर को बाहर लेके आइए। देख सकते हैं फ्रेंड, अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए फ्रेंड, ये मीटर हमने पूरी तरह से बाहर लेके आ गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं करंट खा रहा है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं, ये देखिए हमने इसमें टेस्टर लाइट लगाया, देखिए किसी प्रकार का कोई भी करंट नहीं खा रहा है, आपके सामने है, ये देख सकते हैं हमारा इसमें वायर प्रॉपर तरीके से लगाया गया है माइनस में, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं फ्रेंड, अब हम आपको इस मीटर को रिपेयर करेंगे। पहले तो फिलहाल इसे चेक करेंगे कि ये रिपेयर होने लायक है या नहीं है, अगर रिपेयर हो सकता है तो इसे रिपेयर करेंगे, नहीं तो रिप्लेस करेंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे इसका सॉकेट लगाकर कि वो लगाने के बाद इसका बैटरी करंट खाता है या नहीं खाता है। हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस होंडा सिविक का
मीटर रिपेयर करके लाए हैं। आपको हमने बताया था कि इसे हम रिपेयर करेंगे नहीं तो एक्सचेंज करेंगे। हमने इसका मीटर रिपेयर कर दिए हैं क्योंकि कस्टमर का थोड़ा प्रॉब्लम था, वो बोले नहीं इसे रिपेयर कीजिए, नया मत डालिए, बजट में प्रॉब्लम था, इसके लिए हमने इसे रिपेयर किया है। अब हम आपको इसको दिखाएंगे कि ये मीटर का सॉकेट लगाने के बाद करंट खाता है या नहीं खाता है। अंसारी जी, मीटर का सॉकेट लगाइए, आप देख सकते हैं। ये हमने मीटर का सॉकेट लगा दिया है। अब हम आपको बाहर से चेक कराते हैं कि मीटर करंट खा रहा है या नहीं खा रहा है। अच्छा जी, लगाइए इसका टेस्टर लैंप। देखिए फ्रेंड, ये देखिए आपके सामने है, ये देखिए, देख सकते हैं आपको। हम फिर से रिपीट करके दिखाते हैं, ये देखिए 7 सेकंड में कट ऑफ हो जाना चाहिए। देखिए अब हम आपको फ्रेंड दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि इसके हमने टेप भी फिट कर दिया है, मीटर भी फिट कर दिया है, सॉकेट भी लगा दिया है और पूरा गाड़ी प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया है। अब हम इसको, इसका जो कवर ओवर है उसको पूरी फाइनल तरीके से लगाएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे एक बार और टेस्ट करके कि करंट खा रहा है या नहीं खा रहा है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, इसे फाइनल करने के बाद हम आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं ये होंडा सिविक गाड़ी हमारी पूरी प्रॉपर तरीके से फिट हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमने इसका टेप भी फिट कर दिया है, मीटर भी फिटिंग हो चुका है। गाड़ी चालू कीजिए अंसारी जी, अब हम आपको इसको चालू करके दिखाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमने इस गाड़ी को रात को ही फाइनल कर लिया था और रात भर बैटरी वायर लगा कर छोड़ा था कि सुबह बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं होता है। अभी देख सकते हैं आपके सामने हमने इसे चालू किया है, इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। चाहिए तो हम आपको एक बार आगे टेस्टर लैंप लगा कर दिखाते हैं। अंसारी जी, गाड़ी बंद कीजिए, बाहर आइए। इसका माइनस का बैटरी वायर खोलिए, देख सकते हैं फ्रेंड, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आपको हम थोड़ा नज़दीक से दिखाते, देखिए ये देखिए, देख सकते हैं अब ये गाड़ी हमारा पूरी प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम इसे बिना किसी प्रॉब्लम के कस्टमर को डिलीवरी कर सकते हैं कि ताकि उन्हें आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। यह हमारा गाड़ी पूरी प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है, आप देख सकते हैं हमने जो जो खोला था, जो भी खोला था, टेप खोला था, टेप ओपन किया था, मीटर ओपन किया था, साइड का पूरा कवर ओवर ओपन किया था चेक करने के लिए कि कहीं कोई वायर ब्रेक तो नहीं है जिसके कारण से बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। हमने वो गाड़ी पूरी प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया गया है। हम आपको दिखाते हैं एक बार फिर से चालू करके। ये देखिए फ्रेंड, ना ही कोई मीटर में कोई प्रॉब्लम है, ना ही कोई लाइट है, आप देख सकते हैं। बैटरी वायर को टाइट कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा गाड़ी अब पूरी तरह से प्रॉपर रेडी हो चुका है और आज हम इसे गाड़ी को वॉश करके कस्टमर को डिलीवरी कर देंगे बिना किसी कंप्लेन के। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा हो, अगर आपको हमसे पूछना हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज का इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिए।